अच्छा जी, आपके पास सामने आपके सामने टैक्स स्क्रीन नजर आ रही है टैक्स पैड की? यस सर। यस सर। अच्छा, यहाँ पे हम कोशिश ये करते हैं कि टैक्स पैड के अंदर हम बिल्ट इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसी प्रोग्राम के अंदर हम एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल फंक्शंस को हम यूज करते हुए देखते हैं कि बिल्ट इन जो फंक्शंस हैं एयरवन 32 लाइब्रेरी के जो फंक्शन है उनको किस तरह से यूज किया जा सकता है। तो पहले हम ये करते हैं कि एक मैसेज को डिस्प्ले करते हैं, ये आपने काम पहले भी किया हुआ है, मैसेज पाकिस्तान, वेलकम टू पाकिस्तान। जस्ट एक मैसेज है, उसको आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन कौन सा यूज करेंगे? कॉल राइट स्ट्रिंग। कॉल राइट स्ट्रिंग को यूज करने से पहले आपको एक पैरामीटर चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए कि इस फंक्शन को यूज करने से पहले EDX में ऑफसेट होना चाहिए, किसका? मैसेज का। तो हम क्या करेंगे, मूव EDX कॉमा ऑफसेट मैसेज, ठीक है? यस सर। क्लियर? यस सर। अच्छा, यहाँ पे हमने अभी देखा था कि अगर यहाँ पे 0DH यूज कर लें और यहाँ पे 0AH यूज कर लें तो आप एम्बेड कर रहे हैं कैरिज रिटर्न लाइन फीड, ये वाली जो लाइन है इसको आप यहाँ पे, अगर मैं कमेंट बना देता हूँ तो ये इसका काम, इस फंक्शन का काम यहाँ पे परफॉर्म होगा, 0DH 0EH। इसको सेव करते हैं, कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट होने के बाद आपके पास जो आउटपुट स्क्रीन है उस पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है? यस सर, हो रहा है। ठीक है सर। अच्छा, अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि एक नंबर को आप किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं, एक नंबर को आप किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। लेट से मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक नंबर है EAX में, कोई भी नंबर बता दें आप। 15 सर। 15 को आप डिस्प्ले करना चाहते हैं मुख्तलिफ फॉर्मेट में, मुख्तलिफ फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो मेरे पास एक फंक्शन है जिसको हम कहते हैं राइट डेक, ठीक है, राइट डेक। यस। उसके बाद ये डेसिमल फॉर्म में डिस्प्ले करेगा और फिर हम लाइन चेंज करते हैं CRLF और यहाँ पे कॉल राइट हेक्स, हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, वो ऑलरेडी 15 है तो अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, 20 रख लें। यस सर। अच्छा, इसी तरह से आप अगेन कॉल CRLF लाइन चेंज करते हैं और कॉल राइट बिन और यहाँ पे एक और हम फंक्शन बना लेते हैं राइट इंट का, कॉल राइट इंट और यहाँ पे कॉल CRLF, यानी हर लाइन पे हम अलग-अलग फॉर्मेट में उस नंबर को डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है, चेक करें। यस सर। तो ये मेरे पास मैंने सेव कर लिया, कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद देखें आउटपुट स्क्रीन आपके सामने, और करें ये वो मैसेज जो हमने राइट स्ट्रिंग से हमने डिस्प्ले किया, ये वो नंबर जो हमने सिंपल राइट डेक से यूज किया डिस्प्ले किया, और ये प्लस 20 ये वो नंबर है जिसमें हमने, जिसके लिए हमने राइट इंट यूज किया, और यहाँ पे ये जो नंबर शो हो रहा है 14 ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में शो हुआ है, और नेक्स्ट जो आपके पास शो हुआ है ये बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होके शो हुआ है। तो इस तरह से बिल्ट इन फंक्शन को आप यूज करते हुए किसी भी फॉर्म में आप कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है? यस सर। तो ये वो फंक्शन है जो ऑलरेडी आप परफॉर्म कर चुके हैं, मैं दोबारा करवा रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हम ये करते हैं, तो यहाँ पे राइट बिन के बाद कॉल CRLF, अब एक करेक्टर को डिस्प्ले कर लेते हैं, तो करेक्टर जब भी डिस्प्ले होगा
तो उसके लिए आप बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे राइट करेक्टर। तो राइट करेक्टर की डिमांड होती है कि AL में करेक्टर होना चाहिए, इसमें AL में, तो मूव AL कॉमा कोई भी करेक्टर यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं आप, बता दें कोई एक करेक्टर। जेड कर ले सर। जेड कर लेते हैं जी, जेड, और यहाँ पे कॉल राइट करेक्टर, और यहाँ पे कॉल सी आर एल एफ। तो यहाँ पे इसको डिस्प्ले में देखते हैं, इसकी आउटपुट स्क्रीन देखें, जी शो हो गया, ठीक है। यस सर। क्लियर। अच्छा, हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम में। अब हमारे पास एक नेक्स्ट फंक्शन हमने यूज किया था, बिल्ट इन फंक्शन डंप रेग्स। डंप रेग्स का मतलब ये होता है कि आपने यूजर जनरल पर्पस रजिस्टर्स और फ्लैग रजिस्टर की वैल्यू को डिस्प्ले करना होता है। तो क्या लिखें, कॉल डंप रेग्स, ठीक है। तो इसको देख लें, और यहाँ पे फिर कॉल सी आर एल एफ ऑलरेडी होगा। चलें हम इसको डिस्प्ले करते हैं, आउटपुट स्क्रीन आपके सामने है। यस सर, शो हो रही है। ठीक है, अभी हम एक और फंक्शन यूज करेंगे जो बिल्ट इन फंक्शन है, जिसका नाम है डिले, जिसका नाम है डिले। अगर मैं इसको यहाँ पे यूज कर लूं, इस डंप रेक्स को डिस्प्ले करने से पहले मैं कॉल डिले यूज करना चाहता हूँ, तो डिले जब भी आप कॉल करेंगे तो इसने ई ए एक्स से वैल्यू उठानी है, और वो जो वैल्यू होगी वो कंसीडर करेगा मिली सेकेंड में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई ए एक्स में भी वैल्यू मूव कर देंगे। लेट से मैं कहता हूँ ई ए एक्स, और यहाँ पे 3000। 3000 का मतलब क्या है, 3 सेकेंड, ठीक है, 3000 मिली सेकेंड है, यानी 3 सेकेंड के बाद ये कॉल डंप रेग्स एग्जीक्यूट हो। 3 सेकंड के बाद या 3000 मिली सेकंड के बाद कॉल डंप रेग्स डिस्प्ले हो। अभी जो हमने लास्ट टाइम देखा था, 4 ही डिस्प्ले हुआ था, ऐसे ही है ना? यस सर। यस सर। तो मैं 5000 कर देता हूँ, ताकि ना, क्योंकि हमने स्क्रीन शेयर करते वक्त टाइम कंज्यूम करना होता है। तो ये कंपाइल मैंने किया, कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट, अब एग्जीक्यूट हो गया है, स्क्रीन में डिस्प्ले करता हूँ। अच्छा, जब तक मैंने स्क्रीन डिस्प्ले की है उस वक्त तक वो डिस्प्ले हो गया है, 5 सेकंड उसके पूरे हो गए थे। मैं दोबारा कर लेता हूँ, इसको मैं ऐसे कर दूं, इसको मैं 8000 कर देता हूँ, 8 सेकंड। अब देखें स्क्रीन पर डिस्प्ले अभी तक नहीं हुआ, 8 सेकंड पूरे हुए, देन डिस्प्ले हुआ। यस सर। ठीक है, आप yes, इस तरह से एक अपने नाम को करेक्टर बाय करेक्टर डिस्प्ले कर सकते हैं डिले के साथ, यानी 3-3 सेकंड के डिले के बाद आप एक एक करेक्टर को आप डिस्प्ले कर सकते हैं डिले फंक्शन को यूज करते हुए। ठीक है, अच्छा yes, ये हो गया। Yes. उसके बाद हम यूज करते हैं रैंडम नंबर, रैंडम रेंज। रैंडम रेंज, रैंडम रेंज जो है वो बेसिकली आपके लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो एक रेंज डिफाइन करनी होती है, और फाइनल वैल्यू जो आपने बतानी होती है वो ई ए एक्स में बतानी होती है। लेट से मैं ई ए एक्स में प्लेस करता हूँ, ई ए एक्स में प्लेस कर देता हूँ 50। तो इसका मतलब रेंज क्या बन गई हमारे पास, 0 से लेकर 49 तक, 49 तक, yes, 49 तक, टोटल 50 है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कॉल रैंडम रेंज, और आंसर किस में आएगा, आंसर आएगा EAX में, आंसर आएगा EAX में। तो यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं कॉल राइट डेक से, ठीक है, कॉल राइट डेक से हम उसको डिस्प्ले कर लेते हैं। इसको वेरीफाई करते हैं, कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूट।
हमारा 8 सेकंड का डिले आ रहा है। 8 सेकंड के डिले के बाद अब वहां पे देखें नंबर कौन सा जनरेट हुआ, 44 सर, 44 रैंडम नंबर जनरेट हुआ, ठीक है? यस सर, क्लियर? यस सर। अगर इसी तरह से आपको ये कह दिया जाए कि आप 50 से 100 के दरमियान डिस्प्ले करें रैंडम नंबर, तो ऐसा कोई तरीका का नहीं है कि आप रेंज 50 से 100 आप मेंशन कर सकें। 50 से 100 के दरमियान में आप मेंशन नहीं कर सकते, उसका पैटर्न मेंशन नहीं कर सकते, आपको फाइनल वैल्यू जनरेट करनी होती है, फाइनल वैल्यू देनी होती है। रेंज रेंज जब भी स्टार्ट होती है जीरो से स्टार्ट होगी, ठीक है? यस सर। अगर ये काम करना हो 50 से 100, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए ये करेंगे कि आपका आंसर आ चुका है ईएएक्स में, तो आप ऐड कर दें ईएएक्स के अंदर 50। तो इसका मतलब जो भी वैल्यू जनरेट होगी उसमें 50 ऐड होगा, तो वो रेंज बन जाएगी 50 से लेकर 100 तक। यस सर, ठीक है, ये लॉजिक प्लस करके शो करवा देगा सर। हाँ, प्लस करके शो करवाएगा। यस, यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास देखें अब 94 शो हुआ है नंबर हमारे पास। रैंडम नंबर क्या शो हुआ था? 44। 44 में 50 ऐड हुआ तो वो 94 बन गया, 94 हो गया, ठीक है? यस सर। अच्छा, इसी तरह आप एक और फंक्शन है जिसको हम कहते हैं सेट टेक्स्ट कलर, अभी आपने देखा था। मैं अगर इस मैसेज को जो पाकिस्तान शुरू में मैंने डिस्प्ले करवाया था, वेलकम टू पाकिस्तान डिस्प्ले करवाया था, अगर उसको फॉन्ट कलर के साथ चेंज करना चाहता हूं, तो मैं मुझे क्या करना पड़ेगा? ईएएक्स में मुझे वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, कलर असाइन करना पड़ेगा। तो मूव ईएएक्स कॉमा येलो, कोई भी आप दे दें, आप ब्लू बल्कि रेड आप कर दें, रेड प्लस इनटू येलो, येलो मल्टीप्लाई बाय 16, और उसके बाद हम क्या करते हैं, मूव ईडीएक्स कॉमा ऑफसेट मैसेज और कॉल राइट स्ट्रिंग, ठीक है? यस सर। सेव किया, कंपाइल किया, कंपाइल होने के बाद हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एग्जीक्यूट होने के बाद मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे, ये हमारे पास डिले के बाद हमारे पास डंप रेक्स आ गया। अच्छा, यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया लेकिन सेट टेक्स्ट कलर को यूज नहीं किया, सेट टेक्स्ट कलर को इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए उसका आंसर यानी आउटपुट वैसे ही है, कलर्स में डिस्प्ले नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल सेट टेक्स्ट कलर और यहाँ पे कॉल CRLF, ये मुख्तलिफ कलर्स हैं। आप बुक को ओपन करेंगे तो वहां पे एक टेबल दिया हुआ है, मुख्तलिफ कलर्स आप यूज कर सकते हैं। मैंने इसको कंपाइल कर लिया, कंपाइल होने के बाद इसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। अब डिस्प्ले में देखें, अब गौर करें, यस सर, कलर चेंज हो गया, फॉन्ट कलर आपका रेड हो गया और उसके बाद बैकग्राउंड उसका येलो हो गया। यस सर। अच्छा, इसी तरह से स्क्रीन पर आपके पास लोकेशन होती है, जो डॉस स्क्रीन होती है उसमें बेसिकली आपके 25 रोज होती हैं और 80 कॉलम्स होते हैं, 25 रोज और 80 कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स, आप अगर ये समझते हैं कि आपने स्पेसिफिक लोकेशन पर अपना मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो आप उसको गो टू एक्स वाई यूज कर सकते हैं, फंक्शन यूज कर सकते हैं गो टू एक्स वाई, एक्स वाई। अब गो टू एक्स वाई के लिए आपको बताना होता है कि आपने कौन सी रो पे कर्सर लेके जाना है और कौन से कॉलम पे कर्सर लेके जाना है, तो उसके लिए DH यूज होगा। उसके लिए क्या यूज होगा? DH और DL, DH, DL और DH, DH
कॉमा, ये रो को रिप्रेजेंट करने के लिए, कौन सी रो पे? मैं कहता हूं 20th रो पे मूव डीएल, और कॉलम होगा इसका 50 कॉलम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वो जो मैसेज हमने डिस्प्ले किया था वो वहां पे डिस्प्ले होता है। आउटपुट स्क्रीन में शो करता हूं आपको, हाँ जी यहाँ पे देखें वेलकम टू पाकिस्तान कहाँ पे डिस्प्ले हुआ है सर? 20th पे, 20th रो पे सर, और कॉलम नंबर 50 है सर। इसी तरह आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सेंटर में आप प्लेस कर सकते हैं या किसी भी लोकेशन पर स्क्रीन पे इसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं, गो टू एक्स वाई से, ठीक है। यस सर, एक दो और हम देख लेते हैं, दो एक मिनट है हमारे पास, एक दो और मेथड देख लेते हैं, बिल्ट इन फंक्शन हम देखते हैं एक दो और इसमें मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, रीड स्ट्रिंग का रहता है, रीड स्ट्रिंग हमने करना था, तो रीड स्ट्रिंग के लिए आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले स्ट्रिंग बनाएंगे, मैं कहता हूँ एस नेम स्टूडेंट नेम बाइट, और आगे उसके लेंथ बता देता हूँ 50 और डुप 0। अब मैंने क्या किया है, 50 बाइट का एक एस नेम एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है। अब हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करने के बाद हमने इसमें स्कैनिंग करनी है। स्कैनिंग के लिए सबसे पहले आपको इसके पैरामीटर चाहिए, पैरामीटर कौन से, ESI में ऑफसेट ESI में आपने प्लेस करना है एस नेम, और ECX में आपने प्लेस करना है साइज ऑफ एस नेम -1। यस सर, माइनस हमने किया था। यस सर, ठीक है, टाइम हमारे पास एक मिनट है। अच्छा, उसके बाद हमने इसको स्कैन करना है, तो क्या करेंगे, कॉल रीड स्ट्रिंग, यूजर से स्ट्रिंग हम रीड कर लेंगे। तो उसके बाद अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसको आप डिस्प्ले भी उसी तरह से कर सकते हैं, मूव EDX ऑफसेट एस नेम कॉल राइट स्ट्रिंग, देखते हैं कि वो स्ट्रिंग उसमें राइट होके शो भी होती है कि नहीं। सेव किया, कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल हो गया, उसके बाद एग्जीक्यूट, अब देखिए कर्सर ब्लिंक कर रहा है, कर्सर पे मैं कहता हूँ जी आमिर, आमिर यस, तो क्या डिस्प्ले आया इसका सर? नाम भी लिखा गया है जो हमने लिखना है, नाम लिखा string गया है, यस सर string, डिस्प्ले नहीं आया सर। सर कैसे? नो सर, भाई हमने आमिर उसको असाइन किया ना, यस सर, तो देख लेते हैं इसमें दोबारा कोडिंग में जाते हैं, एडजस्ट करते हैं इसको। यस सर, तो ये हमारे पास था ECX, ठीक है।